जन की भागीदारी हो सबकी जिम्मेदारी, गांव स्वस्थ संपन्न बने करनी है ये तैयारी। गांव मेरे संपन्न बने, सुविधाएं हो सारी, आत्मनिर्भर गांव बने, यही कोशिश है हमारी। रात अब है बीत गई, आई है नई भाव। नमस्कार दोस्तों, नया दौर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। असली भारत के चमकते उन्हीं गांव का गुलदस्ता लेकर हाजिर है हम फिर एक बार। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जो भारत की विविधताओं का मुकाबला कर सके। कोई ऐसी विदेशी संस्कृति नहीं जो हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब से आगे निकल सके। आज ऐसे ही विविधताओं और लोक कला से परिपूर्ण राज्य राजस्थान आपको हम ले चलेंगे और दिखाएंगे कि आखिर क्यों इस राज्य की ग्राम पंचायत को एक अलग पहचान, एक अलग मुकाम पाने के लिए प्रतिष्ठित दीनदयाल उपाध्याय पंचायती राज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजस्थान, रंगीलो राजस्थान, अपने किलो, अपनी लोक कला, अपनी संस्कृति के लिए दुनिया भर में मशहूर। आजादी के बाद से ही इस राज्य ने बदलाव की नई कहानी लिखी है और आज उसी बदलाव की दिशा में आगे बढ़कर राजस्थान के झुंझुनू तहसील के उदावास गांव ने अपनी अलग पहचान बना ली है। जी हां, उम्मीदों को पूरा कर अपने क्षेत्र उदावास में तरक्की का वो पैमाना स्थापित किया है जिसके लिए आज उसकी तारीफ हर जगह हो रही है। 2,996 लोगों की कुल आबादी वाले इस गांव में 554 परिवार रहते हैं। उदावास गांव 2009 में ग्राम पंचायत के रूप में अस्तित्व में आया। ये वो वक्त था जब इस इलाके में बदलाव आने शुरू हो गए थे। आज उदावास गांव की तरक्की की तस्वीर देखकर लगता है कि ये शहरी क्षेत्र है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, किसान, समाज के ये वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर उदावास ग्राम पंचायत ने जमीनी स्तर पर काम किया और आज ये उसी काम का नतीजा है कि आज इस ग्राम पंचायत में आने वाला हर ग्रामीण बेहद खुश है। उदावास ग्राम पंचायत को पंचायती राज विभाग द्वारा दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया जाना एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन आखिर इस उपलब्धि को कैसे हासिल किया गया, ये एक लंबे संघर्ष की कहानी है। यहाँ के जनप्रतिनिधि थे वो बिल्कुल सक्रिय रहते हुए अपनी भूमिका पंचायती राज संस्थाओं में प्रदान कर रहे थे। ऊपर के लेवल पे चाहे वो पंचायत समिति की बात हो, जिला परिषद की बात हो या राज्य सरकार के स्तर की बात हो, वो अपनी समस्याओं को उनके सामने बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर पा रहे थे और उनका समाधान करवा रहे थे। इसके अलावा अन्य जो विभाग पंचायती राज से जुड़े हुए हैं उनमें उनसे क्या वो लाभ ले सकते थे और जनता को कितना लाभ दिला सकते थे, तो उसमें ये पंचायत बिल्कुल 100% खरी उतरी और उन्हीं के आधार पर यहाँ की जनता का सहयोग भी रहा, प्रशासन का सहयोग भी रहा, हर प्रकार से ये पंचायत इस ज़िले की अव्वल पंचायत रही है। यहाँ पे इस पंचायत में सब प्रकार के जो भी योजनाएँ आती है उनका टेस्टिंग रूप में इसी पंचायत में कार्य किया जाता है और उनमें भी ये पंचायत खरी उतरी है। मैं मानता हूँ कि ये पंचायत इस पुरस्कार को पाने की बिल्कुल हकदार थी
और बिल्कुल सही मूल्यांकन इस पंचायत का करते हुए इसको पुरस्कार के लिए इसको योग्य पाया गया। ये पंचायत यहाँ के जनप्रतिनिधि और जनता सब बहुत ही बधाई के पात्र हैं और आशा करते हैं कि आगे भी पंचायत ऐसा ही कार्य करती रहेगी। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से खड़ा भरता है। उदावास ग्राम पंचायत ने भी बूंद बूंद ही सही लेकिन फायदेमंद योजनाओं से जो कामयाबी हासिल की है वो लाजवाब है। आज जिस उदावास ग्राम पंचायत का नजारा आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इसी गांव के हैं। शानदार जिंदगी के सभी पहलुओं पर गौर करते हुए पंचायत समिति ने अपनी समितियों के साथ मिलकर गांव के विकास के लिए रणनीति बनाने और साथ ही ग्रामीणों की जरूरतों को जानने के लिए लगातार बैठकें की। समस्याओं पर चर्चा हुई, समाधान पर चर्चा हुई और इसके बाद शुरू हुआ समस्याओं के निराकरण का सफर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। नया दौर। विकास के मिशन के साथ आगे बढ़ रही उदावास ग्राम पंचायत ने सबसे पहले लोगों की आस्था से जुड़े एक ऐसी समस्या का हल किया जिसकी ओर अब तक किसी का ध्यान नहीं गया था। जी हाँ, उदावास के क्षेत्र में 6 शमशान घाट आते हैं और सभी समस्याओं का अंबार था। उदावास ग्राम पंचायत ने अपने क्षेत्र में आने वाले 6 शमशान घाटों में 3 शेड का निर्माण किया, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था के लिए ग्राउंड लेवल टैंकों का निर्माण किया और शमशान भूमि के चारों ओर से 4 दीवारी का निर्माण किया। 3 शेड के निर्माण से अंतिम संस्कार में आए हुए लोगों को बारिश और कड़ी धूप से जहां निजात मिली, तो वहीं ग्राउंड लेवल टैंकों के निर्माण के बाद यहां मौजूद पीने के पानी की समस्या को भी समाप्त कर दिया। उदावास ग्राम पंचायत क्षेत्र में ये वो राजपूत बस्ती है, कुछ समय पहले तक यहाँ जल भराव की समस्या एक बड़ी मुसीबत थी जिससे यहाँ के लोग लंबे समय से जूझ रहे थे। इस बस्ती में रहने वाले लगभग 300 लोगों को आने जाने के लिए बेहद मुश्किलें होती थीं। आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे थे। ऐसे में पंचायत ने राजपूत बस्ती को समस्या से निजात दिलाने के लिए गाँव में खराब पड़ी ट्यूबवेल के अंदर इस पानी के जाने का उपाय निकाला। बस्ती वालों को जल भराव की स्थिति से बचाने का ये तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन राजपूत बस्ती की मात्र एक समस्या नहीं थी, बस्ती में पीने के पानी की भी बेहद कमी थी। जो एक लंबे समय से ग्रामीण लोगों को झेलनी पड़ रही थी, विकराल होती समस्या के समाधान के लिए ग्राम पंचायत ने एक नए कुएं का निर्माण किया जिसने विकराल होती समस्या का स्थायी समाधान कर दिया। जो भी ग्राम पंचायत के लोग आते हैं वो समस्या कोई बताते हैं, उसकी समस्याएं सुनते हैं। इसमें पंचायत में 2 बार मीटिंग होती है, तो इस मीटिंग में जो आते हैं लोग उनकी सबकी समस्याएं सुनते हैं। जैसे ग्राम पंचायत, ये पंचायत के लोग हैं, शिकायत करते हैं कि गंदे पानी है, कोई सोखते कुएँ बनवाने हैं, ये पानी का निर्माण कराना है, तो उन पानी का विकास आगे के लिए नालियाँ निकलवा ली और पानी के लिए सोखते कुएँ करवाए हैं और
जो कोई के पानी पीने की समस्या है वो पानी पीने के लिए टंकी करवाई है। उदावास गांव में आज प्रवेश करते ही अचंभा होता है कि क्या ये वही उदावास गांव है, क्योंकि आज यहाँ की चमचमाती सड़कें यहाँ की तरक्की की कहानी कह रही हैं। सीधी सपाट सड़कें, इंटरलॉक गलियां, पक्की सीसी युक्त सड़कें, सड़कों की हालत कुछ समय पहले यहां बेहद खराब और खतरनाक थी। गली की सड़कों में धूल मिट्टी और बड़े बड़े गड्ढे थे, लेकिन बरसात के समय में और थोड़ी सी बारिश होने के बाद मुसीबतें और बढ़ जाती थीं। पंचायत ने योजना बनाकर हर सड़क और गली को सुरक्षित रास्ता देने का प्लान तैयार किया और फिर उस पर शुरू हुआ निर्माण कार्य। आज न सिर्फ गलियां ही सुरक्षित हैं, बल्कि लोगों की जिंदगियां भी सुरक्षित हो गई हैं। पंचायत क्षेत्र की हर गली को सीसी सड़कों का निर्माण कर पक्का किया गया और साथ ही लोगों के घरों से निकलने वाले पानी के लिए नालियों का निर्माण किया गया, ताकि घरों का गंदा पानी सड़कों पर न फैले। सीसी सड़कों के इस निर्माण ने ग्रामीणों के जीवन में रफ्तार भर दी और ग्रामीणों को आर्थिक रूप से गति भी प्रदान की। हालांकि यहाँ पर ये ग्राम पंचायत पहले से अच्छी स्तर पर थी, लेकिन फिर भी आमजन को गंदे पानी की निकासी को लेकर के ज़्यादा समस्या रहती थी, खास करके वार्ड नंबर 2 को। तो उस समस्या को हमने समाधान करने के लिए पुराना कोई नकारा कुआ था उसके अंदर इस पानी की मतलब अटैच कर करके उसमें डाल करके इसका समाधान निकाला। स्टेट फाइनेंस कमीशन राज्य वित्त आयोग की राशि से हम लोग रोडों का निर्माण करते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के जो फाइनेंस कमीशन है जो 14 वित्त आयोग उस समय चल रहा था, उसकी राशि का प्रयोग हम आवश्यक कार्यों के अंदर ही ऐसे निर्माण कार्यों में ले सकते हैं। तो राज्य वित्त आयोग की जितनी भी हमें राशि प्राप्त होती है उससे हम इंटरलॉक सड़कों का और सीसी सड़कों का निर्माण करते हैं ग्राम पंचायत में। मुख्यतः ग्राम पंचायत के जो गांव को आपस में जोड़ने वाली जो रोड है उनका हम निर्माण करवा चुके हैं, लेकिन कुछ शेष हैं उनको हम आगे भविष्य में बजट की प्राप्ति होने के बाद में करवा देंगे। ग्राम पंचायत उदास को 2018-19 के साथ साथ में वित्त वर्ष 2012-13 के लिए भी पंचायती राज मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायती राज सशक्तिकरण पुरस्कार के द्वारा। और ग्राम पंचायत आगे भी इसी प्रकार अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत रहने के लिए प्रोत्साहित रहेगी और हम इसी प्रकार हमारी पंचायत का विकास करते रहेंगे। जैसे जैसे पंचायत लोगों के साथ मिलकर अपने ग्राम पंचायत में विकास कार्य को आगे बढ़ा रही थी, वैसे वैसे उदावास ग्राम पंचायत की चर्चा भी लोग दूसरे इलाकों में करने लगे थे। यहाँ आने वाले लोग भी प्रभावित होकर पंचायत की तारीफ करते दिख रहे थे। उदावास ग्राम पंचायत में छोटे छोटे स्तर पर धरातल पर विकास कार्य अब नजर आने लगे। ग्राम पंचायत की कोशिश यहाँ सर्वांगीण विकास के साथ यहाँ की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की भी थी, जिसके लिए महिलाओं के लिए कई योजनाओं पर क्रियान्वयन शुरू किया गया। हस्तशिल्प की जो बेजोड़ तस्वीरें आप यहाँ देख रहे हैं उसे बंधेज आर्ट कहा जाता है। यहाँ लड़कियां और महिलाएं एक बेहद खास काम कर रही हैं। इस पूरी प्रक्रिया को बांधनी कला कहा जाता है। भारत में अगर राजस्थान की अलग पहचान है तो बांधनी उनमें एक बड़ी वजह है। इसमें कलाकार कपड़ों को बांधकर या गांठ लगाकर रंगाई करते हैं, जिससे एक बेहद खास आकृति बनाई जाती है। यह कला गुजरात और राजस्थान में बहुत लंबे समय से प्रयोग की जा रही है और इस कला से बनने वाले उत्पादों की अच्छी खासी डिमांड भी है। उदावास ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूहों में जुड़ी महिलाएं आज बड़ी होशियारी और लगन के साथ बांधनी को बनाने का काम कर रही हैं। घर के साथ साथ अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये लड़कियां और ये महिलाएं उदावास ग्राम पंचायत के दिए मौके को पाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। इस मिशन में पंचायत क्षेत्र में महिलाओं के 21 समूहों को बनाया गया,
जिनके तहत सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और परंपरागत तौर पर बनाए जाने वाली बांधनी को बनाने का काम किया जाता है। लेकिन किसी भी समूह को चलाने और किसी भी काम को शुरू करने से पहले सबसे पहले जरूरत फंड की होती है। ये स्वयं सहायता समूह ऐसे थे जो महिलाओं के द्वारा छोटे से स्तर पर शुरू किए गए थे। इन समूहों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी फंड की, लेकिन जहां चाह वहां रहा। पंचायत ने इन समूहों को न केवल तैयार किया बल्कि हर समस्या से दूर करते हुए उनके आगे बढ़ने का रास्ता भी तैयार किया। इन कामकाजी महिलाओं को बैंकों के माध्यम से फंड दिलाया गया। आज बैंकों के द्वारा लोन दिलवाने और इन स्वयं सहायता समूहों की मदद से कई महिलाओं के अपने सिलाई कढ़ाई के सेंटर हैं और कई महिलाएं घर की साज सज्जा के लिए विभिन्न प्रकार के सामानों का निर्माण कर रही हैं। 12 मेंबर को हमारा समूह चलता है। संडे की संडे हम 20-20 रुपए इकट्ठे करते हैं। पूरे महीने की जो इनकम होती है वो एक औरत कोई भी ले जिसको ज्यादा जरूरत होती है वो समूह बांट लेता आपसी। हमारे 12 मेंबर में ही समूह चलते हुए पैसे घूमते रहते हैं। किसी को कोई ब्याज नहीं देना, हमारे समूह में चलते हैं। हमारा बचत खुद का बचत बैंक है। ये महिलाओं को ये फायदा है कि वे खुद जागरूक हो रही है। 20-20 रुपए के हिसाब से उनकी पैसे की जरूरत पूरी होती है। ये किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहती और खुद का उत्साह बढ़ रहा है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। विकास और खुशहाली की हो और किसान के बारे में कोई बात ना हो, भला ऐसे कैसे संभव है? एक तरफ तो उदावास ग्राम पंचायत अपने नागरिकों और उनकी जिंदगी से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने में जुटी थी, वहीं किसानों की भी कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनको दूर किया जाना बेहद जरूरी था। अनाज के स्टोरेज यानी भंडारण की अभी तक उदावास पंचायत क्षेत्र में कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे किसान भाइयों को बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ रहा था। अब जिस गांव में 70% किसान हो और भंडारण व्यवस्था 0 हो, वहां खुशहाली भला कैसे आ सकती थी? लेकिन अब तो समय बदल चुका था। कमान नए ग्राम पंचायत टीम के हाथों में थी। ऐसे में समस्या का समाधान तो होना ही था। इस समस्या के निदान के लिए उदावास ग्राम पंचायत ने गोदाम का निर्माण कराया। पंचायत द्वारा बनाए गए इस भंडारण से किसान अपना अनाज तब ही निकालते हैं जब या तो ज्यादा जरूरी हो या फिर बाजार में फसल की अच्छी कीमत मिल रही हो। ग्राम पंचायत के बनाए गए अनाज भंडारण गृह की सुविधाएं पाकर आज हर किसान ग्राम पंचायत का दिल से धन्यवाद कर रहा है। उदावास ग्राम पंचायत को जहां समाज और गांव की चिंता थी, वहीं चिंता बढ़ते प्रदूषण को लेकर भी थी, जिसके लिए उदावास ग्राम पंचायत ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया। उदावास ग्राम पंचायत ने भी अपने क्षेत्र पंचायत में पर्यावरण वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए लोगों को प्रदूषण के फैलने से हो रही दिक्कतों और बीमारियों के बारे में अवगत कराया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने स्तर से भी पेड़ पौधों को लगाएं। गांव में जिनके पास अपनी जमीनें थी, उन्होंने अपनी भागीदारी पेड़ लगाकर निभा दी। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या पंचायत के सामने ये थी कि आखिर पंचायत वृक्षारोपण कहां करवाए, क्योंकि पंचायत के पास
वृक्षारोपण के लिए कोई जगह नहीं थी। ऐसे में पंचायत ने अपनी समितियों के साथ मिलकर विचार विमर्श कर गांव में पौधारोपण करने के लिए ग्रामीणों से भी सुझाव लिए और फिर गांव के इस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और उसके खेल मैदान में वृक्षारोपण करने का फैसला हुआ। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय और खेल मैदान में 500 पेड़ों को लगाया गया। इसके अलावा फलदार वृक्ष भी यहां लगाए गए। एक कामयाब और अनुभवी अभिभावक की तरह उदावास ग्राम पंचायत ने हर स्तर पर कामयाब योजनाओं का सृजन किया, जो गांव कभी देश के दूसरे पिछड़े गांवों की तरह अभाव और समस्याओं में जकड़ा था, आज वो अपनी सही सोच और हौसले से एक साफ सुथरे माहौल में खुली हवा में सांसें ले रहा है। पंचायत ने महिलाओं, ग्रामीणों और किसानों की समस्याओं का हल ढूंढा, तो वहीं ग्रामीण भी अब पंचायत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगे हैं। यहाँ की बढ़ती नामांकन संख्या उसका एक प्रमाण है। नामांकन दर बढ़ाने के लिए गांव भर में ग्राम पंचायत ने रैलियां आयोजित की। नतीजा ये हुआ कि 5% नामांकन दर में इजाफा हो गया। पढ़ाई के साथ स्वस्थ शरीर के विकास के लिए उदावास ग्राम पंचायत ने राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में खेल के मैदान का भी निर्माण कराया, जिसमें रेसिंग ट्रैक, वाटर स्टोरेज, सॉलिड टैंक निर्माण के साथ शौचालय का निर्माण भी करवाया गया। देखो, हमारा जो जिला झुंझुनू वो भारत में सर्वाधिक सैनिक देने वाला जिला है, तो इस जिले ने जो सर्वाधिक सैनिक जब दिए हैं तो इसमें योगदान हमारे विद्यालयों का भी है। ये स्टेडियम में बच्चे फिजिकल की तैयारी करते हैं, सुबह जल्दी ही आ जाते हैं और हमारे जैसे शारीरिक शिक्षक हैं उनको वो तैयारी करवाते हैं, जिससे बच्चों में एक जुनून पैदा हो जाता है शुरू में कि देश की सेवा के लिए जाना है, हमको सैनिक बनना है। और यहाँ जो थोड़ा रेगिस्तानी प्रभावित क्षेत्र होने के कारण रोजगार के भी सैनिक के रूप में अच्छा लिया जाता है और हमारे ज़िले में सैनिक को बहुत सम्मान से देखा जाता है, इसलिए ये बहुत उपयोगी है विद्यालय के लिए और बच्चों के लिए, पूरी ग्राम पंचायत के लिए बहुत उपयोगी है। ग्राम पंचायत इसमें अच्छा काम कर रही है, उसने भौतिक विकास किया है स्टेडियम का। देखो, वृक्ष होता है वो लाइफ लाइन होता है, तो ये बच्चों के अंदर शुरू में ही हम डाल देते हैं कि वृक्ष ही हमारा जीवन है, इसलिए बच्चे भी वृक्षारोपण करने में रुचि लेते हैं और हमारा स्टाफ द्वारा भी वृक्षारोपण के अंदर काफ़ी रुचि लिया जाता है। और ये जिला जो रेगिस्तानी क्षेत्र में आने के कारण से यहाँ वृक्षारोपण का बहुत ज़्यादा महत्व है, इससे तापमान भी धरती का कम रहेगा और विद्यालय के जो बच्चे हैं हमारे इंडिविजुअल, इनको भी फायदा होगा, तो ये बहुत ही उपयोगी है वृक्षारोपण। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पंचायत जो है वो बच्चों के शैक्षिक विकास में बहुत ही अच्छा योगदान दे रही है और यहाँ का सरपंच भी इस मामले में, यानी कि खुद सरपंच साहब खुद जब मीटिंग में आते हैं SDMC में तो ये पूछते हैं कि अमुक घर के अंदर कोई बच्चा घर पर नहीं रह जाए, इसलिए हर बच्चे का हर वर्ग का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। आज देश प्रदेश में उदावास पंचायत को यूं ही आदर्श ग्राम के तौर पर पहचान नहीं मिली है, इसके लिए ग्राम पंचायत ने क्षेत्र में प्लास्टिक मुक्त अभियान भी चलाया, जिसमें ग्रामीणों को प्लास्टिक पॉलिथीन के इस्तेमाल और उससे होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया गया, जिसका असर पहले तो ग्राम पंचायत में नजर नहीं आया, लेकिन ग्रामीणों के सहयोग से आज पंचायत पूरी तरह से पॉलिथीन मुक्त हो चुकी है, यानी देश को प्रदूषण मुक्त बनाने में इस गांव के लोग भी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। ग्राम पंचायत ने वो कर दिखाया है जिसके लिए भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो बताता है कि आखिर उदावास ग्राम पंचायत दूसरों से अलग क्यों है।
तो हमारे इस खास एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। अगले गांव की कहानी लेकर फिर होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।